हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आपसे दोस्त और सिंगल, और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएफआई के जितने भी टाइप ऑफ डीएफआई इंडिया में, कि भाई उनके टाइप दो दो थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। आज से हम नेशनल लेवल के अंदर जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, आज हम कवर करेंगे आईडीबीआई। ठीक है, सो ये आपका एक तरीके का डीएफआई बैंक, डीएफआई है इंडिया का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आईडीबीआई, मतलब इसके हिस्ट्री का थी, कब स्टार्ट हुआ था, और देन हम पढ़ेंगे इसकी सब्सिडरी, देन हम पढ़ेंगे इसका रोल, देन फंक्शन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आफ्टर दैट लोन एंड देन पेमेंट, एंड जितने भी टॉपिक यहाँ पे, अदर सर्विसेज, कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिफरेंस क्या है इसका, हम इसमें वो सब चीजें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई अबाउट आईडीबीआई, इसका इंट्रोडक्शन है क्या। ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको एज अ रटना है कि भाई आप इसको शॉर्ट नोट बना लो। आईडीबीआई कब आया था भाई? 1964 में आया था। किसके द्वारा आया था भाई? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, आईडीबीआई बैंक के बारे में, अभी हम वो जान लेते हैं भाई। इट इज इंडियाज 10th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ रीच, विद 3,350 एटीएम एंड 1,853 ब्रांचेस। हाउएवर, अगर आप गूगल पे जाओगे तो 1,900 प्लस ब्रांचेस है इंडिया की। तो आप इसका करंट करंट ब्रांच देख लेना कि इसकी है कितनी। ठीक है, इंक्लूडिंग वन ओवरसीज ब्रांच एट दुबई एंड 1,382 सेंटर। ये कुछ फैक्ट है कि आईडीबीआई की ब्रांच कितना है, एटीएम कितना है। एग्जैक्ट नंबर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में नंबर डाला है, ये पुराना नंबर है। तो एग्जैक्ट नंबर आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना और वही पेपर में लिख के आना। ठीक है, इट इज वन ऑफ 27 कॉमर्शियल बैंक ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भाई इसको समझाने की जरूरत है नहीं भाई। ये इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया बैंक ऑन करती है, ये 27 कॉमर्शियल बैंक्स में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसके शॉर्ट नोट आप बना के लिखो अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको पेपर में रिविजन करने में आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरीज क्या क्या है? द फॉलोइंग आर द सब्सिडरीज ऑफ आईडीबीआई, कौन कौन सी है? सिडबी, सिडबी हम आगे पढ़ेंगे भाई, सिडबी बैंक है क्या। तो सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, इसकी वन ऑफ दी सब्सिडरीज है जो हम आगे पढ़ेंगे। देन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, देन आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विस लिमिटेड, जो कि स्पेसिफिक है भाई कैपिटल मार्केट के लिए जो काम करती है, आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सब इसकी सब्सिडरीज है। ठीक है, तो अगर आप और सब्सिडरीज जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आप पेपर में इतना भी लिख के आते हैं तो ये आपका मोर देन इनफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आईडीबीआई का रोल क्या है? सबसे पहला, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर डिपार्टमेंट एंड बैंक, अदर डिपार्टमेंट बैंक एंड टर्म्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री। ये इसका मेन रोल है। सबसे पहला कि भाई क्या है, ये कोऑर्डिनेट करता है विद द एक्टिविटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट बैंक्स। ठीक है, देन और क्या करता है ये भाई, ये एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट करता है कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री। ठीक है, देन ये दो तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट असिस्टेंस एंड इनडायरेक्ट असिस्टेंस। जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? अगर आप अपने सिलेबस देखने जाओगे तो वहां पे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ गिवन है जिनको आप याद नहीं रख पाओगे। तो ये पीपीटी भी अगर आप याद रख ले तो, और पेपर में 7 मार्क्स का, इवन 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इतना भी लिख के आ जाओगे तो आपके मार्क्स अच्छे खास से 10, 11, 12 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन है ग्रांट लोन एंड एडवांसेस। अभी इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज। मैनी फैसिलिटीज में यहाँ पे क्या आता है, जितने भी असिस्टेंस होते हैं डेवलपमेंट को हेल्प करने के लिए, ये वो सब फैसिलिटीज से प्रोवाइड कराता है। अंडरराइटिंग एंड डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन, इसके दो मेथड है, मतलब ये दो तरीके से हेल्प करता है, अंडरराइटिंग एंड डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन। अंडरराइटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे बैंक आपका एनालिसिस करता है पूरा रिस्क को, पूरी कंपनी को। तो ये इसका एक एज अ फंक्शन ही है,
इसका काम है, ठीक है। देन कीपिंग वैल्यू ऑफ सेफ कस्टडी, ये पैसा भी रखता है भाई। जितने भी मैं बैंक पढ़ा रहा हूँ, जितने भी मैं आपको DFI पढ़ा रहा हूँ, वैसा बैंक भी इंडिया में है और वो आपकी डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पेपर में बस ये लिख के आ जाना, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ IDBI बैंक नहीं पूछता है। पूछता है तो आपका पूछेगा कि भाई ब्रीफ अबाउट IDBI, ठीक है, या फिर आप IDBI को एक्सप्लेन करो। तो वहां पे आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको लिख के आ जाना, दैट्स इट, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, भाई इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या सर्विसेज है। सुविधा टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पे, ये आपका सेविंग नहीं है, ये फिक्स डिपॉजिट है, ये एक तरीके का इसका सर्विस है जो प्रोवाइड करता है। देन जुबली प्लस अकाउंट, देन सुपर शक्ति अकाउंट, फ्लेक्सी करंट अकाउंट एंड सबका सेविंग अकाउंट, ये आपको नॉर्मल नॉर्मल पर्सन के लिए होता है, करंट अकाउंट बिजनेस वालों के लिए होता है। तो आप बस ये पॉइंट लिख के आ जाओ और पेपर में एक दो एक्सप्लेन कर दो, आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि IDBI की पहले भी हमारे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो वहां पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं, वहां पे आपको एकदम ब्रीफ में बताया है। तो अगर आपको ब्रीफ में समझना है तो शुभम सर ने पहले ऑलरेडी ब्रीफ में एकदम डीप मैनर में समझा रखा है, ठीक है। आज मैं आपको इसका एज अ शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसको आप रिविजन के तौर पर याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भैया लोन किस किस टाइप के प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ये होम लोन प्रोवाइड कराता है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जहाँ पे आपको कोलेटरल देना पड़ता है, देन ये पर्सनल लोन, ऑटो लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड रिजर्व मॉर्गेज लोन, ये सब ये लोन के टाइप पे जो ये प्रोवाइड कराता है। अभी मैं आपको यहाँ पे होम लोन नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि भैया आपको वो ऑलरेडी पता है। तो भाई एजुकेशन लोन भी आपको ऑलरेडी पता है, जितने भी लोन है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो अगर आप किसी भी लोन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दो आपके पास चॉइस है, यूट्यूब या फिर हमारा कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में डाल दो कि भैया ये मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो आपको पूरा ब्रीफली वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, पेमेंट, पेमेंट बेसिकली इसमें हम पेमेंट किस किस चीज की, या फिर ये पेमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे आप टैक्स पेमेंट, स्टैंप ड्यूटी पेमेंट, बिल पेमेंट, इजी फिल, कार्ड टू कार्ड मनी ट्रांसफर, बेसिकली हम IDBI से किस किस तरीके की पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे वो लिखा है, ठीक है। देन ऑनलाइन पेमेंट एंड पेमेंट मेट, ये सब आपके पेमेंट के टाइप है कि आप IDBI से कैसे किस किस तरीके के आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एज अ फंक्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको चार पांच फंक्शन बताए थे, आप यहाँ पे एज अ फंक्शन भी इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इवन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ IDBI। तो मैं आपको ब्रीफ एकदम पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डीप में जा रहा हूं मैं, जिससे कि आपको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भाई कार्ड्स, ये कौन कौन से कार्ड्स प्रोवाइड कराता है भाई। गोल्ड डेबिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, वर्ल्ड करेंसी कार्ड, किड्स डेबिट कार्ड, फाउंडेशन डे कैशबैक स्कीम 2009 एंड प्लेटिनम कार्ड, ये आपके सब जो प्लास्टिक कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये उस तरीके के कार्ड सारे प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपको पता लग रहा होगा भैया आप तो बहुत, ये तो सबको पता है, तो सबको पता है, जिसको नहीं पता वीडियो, ये वीडियो उनके लिए है, और जिसको पता है ये वीडियो उनके लिए एज अ रिविजन एक्ट करेगी, ठीक है। अदर सर्विसेज इसकी कौन कौन सी है भाई, कैपिटल मार्केटिंग, NRI सिक्योरिटी, IPO एंड प्रेफर्ड बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट आपका बेसिकली जो भी आप शेयर्स में लेन देन करते हो तो आपको डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी अदर सर्विसेज हैं, कैपिटल मार्केटिंग, NRI सर्विस, प्रेफर्ड बैंकिंग, IPO एंड डीमैट अकाउंट। भैया आप तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे भाई, सिंपल सी चीज है, आप BBA में है, आपको डीमैट अकाउंट पता है, IPO पता है क्या होता है, नहीं पता है दो चॉइस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जितने भी आपकी वीडियोज आ रही है, मैं जहां तक मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप इसको एज अ रिविजन वीडियो आप इसको लें और अपनी सब चीजें कवर कर लें। फिर भी कोई डाउट आता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो चीजें, गूगल या फिर कमेंट सेक्शन, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आगे भाई ये कॉरपोरेट बैंकिंग क्या है भाई, कॉरपोरेट बैंकिंग मतलब कि आपका IDBI कॉरपोरेट बैंकिंग में काम कैसे करता है। सो सर्विसेज ऑफर्ड बाय IDBI बैंक फॉर द कॉरपोरेट, कॉरपोरेट के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उनके लिए ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है, जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंपनी को होते हैं ये उनको फाइनेंस करता है, उनको पैसा देता है, जिससे कि वो प्रोडक्ट आगे आगे स्मूथली रन कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, कार्बन क्रेडिट बिजनेस एंड सिंडिकेट एंड एडवाइजरी एंड अंडर राइटिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराता है। अगर आप इन चारों को देख रहे हो
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल कंपनी को डेवलप करने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग ऑल दीज सर्विसेज टू द कंपनी, टू द सेक्टर, टू द इंडस्ट्री, टू द सब सेक्टर। गॉट इट? आगे भाई इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन आईडीबीआई एंड अदर बैंक, क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस पढ़ते हैं, और अगर आप डिफरेंस लिख के आते हो ना, अगर आपने पेज पे लिख दिया डिफरेंस बिटवीन आईडीबीआई एंड अदर बैंक्स, तो एग्जामिनर आपका बहुत खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है? सो आईडीबीआई वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया पीपल। आईडीबीआई स्पेसिफिकली एक कहां पे उसका फोकस कहां पे, बैकवर्ड एरिया पीपल के लिए, अदर बैंक का, बट अदर बैंक ओनली फोकसेस ऑन अर्बन एरिया पीपल। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे अदर बैंक अर्बन एरिया में फोकस करते हैं, कुछ कुछ हैं जो आपके अर्बन रूरल एरिया में फोकस करते हैं। ठीक है? सो आप यहाँ पे उनको मत लिखिएगा। IDBI वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वेयर एज अदर बैंक ओनली प्रोवाइड लोन एंड हेल्प टू बिग बिजनेसमैन एंड रेपुटेटेड पर्सन। ठीक है? आई होप आपको इसको इंग्लिश में, अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में आपको समझना ज्यादा जरूरी होता है। आप बीबीए में आप खत्म करने वाले हैं बीबीए, देन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि भाई आईडीबीआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वेयर एज जो अदर बैंक होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं ऑनली बिग बिजनेसमैन एंड रेप्यूटेड पर्सन। ओके, सो इसका हम लास्ट डिफरेंस पढ़ते हैं। आईडीबीआई फोकसेस ऑन रिसर्च, सर्वे एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, वेयर एज अदर बैंक मेनली फोकसेस ऑन क्रेडिट क्रिएशन। अदर बैंक का मतलब भाई उनको पैसा बनाना है, ऐसा नहीं है कि आईडीबीआई पैसा नहीं बनाता, उसका भी फोकस पैसा बनाना होता है, हर बिजनेस का फोकस पैसा बनाना होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये इम्प्रूव कैसे करेगा इंडस्ट्री को, इसका फोकस वहां पे भी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये DFI है एक इंडिया का। ठीक है? सो लास्टली आईडीबीआई इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक बिकॉज अदर बैंक डील इन बैंकिंग बिजनेस, बट आईडीबीआई डील विद द वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट पर्पस। आप इसको यहाँ पे एक टैगलाइन है, आप इसको एज अ कंक्लूजन लिख सकते हो, तो आपके कॉपी में ही अच्छा लगेगा। ठीक है? आई होप आपको आईडीबीआई के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आने से पहले लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।